वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपन मानको स्वागत ओडिया नेट जेआरएफ पई प्रस्तुत कराउतवा ओडिया साहित्य इतिहास एटा होजे तृतीय वीडियो। प्रथम आमे आलोचना करथिले मादला पंज संपर्क रे, सो एटा द्वितीय वीडियो हमरो। तो मादला पंज संपर्क प्रथम आलोचना करथिले, आज आलोचना करबा नाथ साहित्य उपरे। वीडियो टी संपूर्ण देखिए, भल लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने चैनल को भूलें। तो चलतु नाथ साहित्य संपर्कित गुड़ाए नेट जेआरएफ आसुवा क्वेश्चन को आम ये आलोचना करवा। तो वीडियो देखा सहित आप लिखी या मन रखा बहुत सुविधा हे। तो देख नाथ साहित्य यही धर्मर मुख्य प्रचारक गण हो, धर्मर मुख्य प्रचारक गण नाथ पदवी अवस्थित होते। तो नाथ शब्दर अर्थ होची ना, नाथ शब्दर साधारण अर्थ होला स्वामी बा प्रभु। ख्रीष्टाब्द 1200 शताब्दी रे नाथ धर्म ओडिशा तथा भारतर अन्यन्य अंचल को परिव्याप्त होता। यह केतेक बौद्ध सहजिया सिद्ध संप्रदायर एक विकसित तथा शक्तिशाली रूप भाव ग्रहण कर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मतरे यह शैवधर्म एक शाखा। आचार्य क्षिति मोहन सेन मतरे अन् हिंदुजिम पुस्तक नाथ धर्म को वैदिक सभ्यतार पूर्व प्रचलित थिबा ओ परवर्ती काल बौद्ध जैन ओ हिंदू धर्मर संस्पर्शरे आसी परिवर्तित नियम धारण करिछि बोली हमारे किए कहते क्षतिमोहन आचार्य क्षतिमोहन हजारे द्विवेदी किंवा क्षतिमोहन कह ये जो संज्ञा किए कौन कही नाथ धर्म किंवा नाथ धर्म संपर्क कार को पुस्तक ये पुस्तक गुड़क बहुत महत्वपूर्ण कारण युवा नेट जेआरएफ बुले बुले पकाए। तो दे सन्धि स्थापन कर मिलन कर युवाक देख गौरव संहिता। गौरव संहिता को देख, गौरव संहिता अनुसार गौरवनाथ नाथ धर्म प्रवर्तक और नाथ संज्ञाधारी योगी जाति ठारू जात मान गौरव संहिता कहे जे गौरवनाथ हूँ नाथ धर्म प्रवर्तक है। कृष्ण आसपे ना गौरव संहिता अनुसार नाथ धर्म प्रवर्तक किए। तो देख मत्स्यनाथ समग्र भारतवर्षर ख्रीष्टीय दशम शताब्दी रु 1200 शताब्दी मध्य नाथ धर्म व्यापक प्रचार होता। सिद्धार्थाचार्य मत्स्येन्द्रनाथ और गौरवनाथ द्वारा जो प्रचार होता आम दशम रु 1200 शताब्दी मध्य को मान प्रचार करते ना मत्स्येन्द्रनाथ और गौरवनाथ द्वारा प्रचारित होता समग्र भारतवर्ष। तो नेपाल परंपरार मत्स्येन्द्रनाथ स्वयं अवलोकितेश्वर मन है नेपाल परंपरार मत्स्येन्द्रनाथ कौन से निजे अवलोकित स्वर। तो नेपाल मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा हुए क्वेश्चन आसो जे नेपाल कहार रथयात्रा हुए गौरखनाथ नुह मत्स्येन्द्रनाथ हुए है। तारानाथ बरणी अनुसार मीननाथ बा मत्स्येन्द्रनाथ मत्स्यजीवी बा कैवर्त थे क्वेश्चन आसो जे तारानाथ बरणी अनुसार मत्स्य ना ना का बरणी अनुसार मीननाथ बा मत्स्येन्द्रनाथ कैवर्त थे। तंत्रालोक अनुसार मत्स्येन्द्रनाथ बंगलार चंद्र द्वीप विनिर्गत बोली डॉक्टर चिंताहरण चक्रवर्ती प्रकाश करते बुझला। दोलगोविंद शास्त्री प्रमाण करती जे मत्स्येन्द्रनाथ ओडिशा रे जन्मग्रहण करते। ओडिशा रे मत्स्येन्द्रनाथ जन्मग्रहण संपर्क किए प्रमाण करती कहार किए प्रमाण करते ओडिशा रे मत्स्येन्द्रनाथ जन्मग्रहण करते मत्स्येन्द्रनाथ आम देखा गौरखनाथ। तो सिद्ध गौरखनाथ मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य थे किए कार शिष्य थी भलसे मन रखा मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य थे सिद्ध गौरखनाथ। तो अवलोकित तो, सॉरी अलौकिक विभूतिर अधिकारी होइथिबारु प्रथम सिद्ध भाव ग्रहण करा जाए। नेपाल से नेपाल सिद्ध भाव परिचित देख अवलोकितेश्वर क्या कह जाए आउ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ, କାହାର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଟିପିକାଲି ପୁରା ମନେ ରଖ। ପୁରା ନେପାଳରେ ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଆମର ଗୋରଖନାଥ ହେଲା। ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଡକ୍ଟର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଗୋରଖନାଥ କଳିଙ୍ଗ ସୀମା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଗୋରଖନାଥ ପୁସ୍ତକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶିଶୁବେଦ, ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ପଚିଶଟା ଶ୍ଳୋକର ସମାହାର ହେଲା। ଶେଷ ପାଦରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କିଏ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରେ ଥିବା ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ପାଦରେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଗୋରଖନାଥ। ତାଙ୍କର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶିଶୁବେଦ, ମନେ ରଖ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶିଶୁବେଦ। ତା ଦେହ ଶିଶୁବେଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମର ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଶିଶୁବେଦ ପରିଗଣିତ। ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ତା'ପରେ ହେଲା ସୁଷୁମ୍ନା, ଶିଶୁବେଦ ନାମଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମତ କରନ୍ତି ଯେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଳକ୍ରମେ ଶିଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁବେଦ ହେବା ଅଧିକୃତ, ମାନେ ସୁଷୁମ୍ନା ଦେଖ ସୁଷୁମ୍ନା କାଳକ୍ରମେ ଶିଶୁ ଶିଶୁବେଦ ହେବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ ପଚିଶ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକର ସମାହାରରେ କଳବରରେ ପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମର ଶିଶୁବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଓ ପରେ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପେ ଏହି କ୍ରମରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ବଂଶୀଧରଙ୍କ ମତରେ ଏହା 14 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି କି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଏହା 14 ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶିଶୁବେଦ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଶୁବେଦରେ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶିଶୁବେଦର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ, ପରମ୍ପରାରେ ଶିଶୁବେଦ, ଶିଶୁବେଦ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏତିକ ପୁସ୍ତକ ଆମର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ତାପରେ ଦେଖ ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅମରକୋଷ ଏହା ଆଦିନାଥ ନାମରେ ଭଣିତା ହେଇଛି। ଅମରକୋଷ ଗୀତଟା ଆଦିନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଶିଶୁ ପୁତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ, ଶୁଣ ପୁତା ଲୋଇରେ ଏଭଳିଆ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଉଛି ହେଲା କି, ଶିଶୁକୁ ମାନେ ଶିଶୁରେ ପୁଅ ଅର୍ଥ ସମ୍ବୋଧିତ ହେଉଛି ପୁତା ଅର୍ଥରେ। ରଚନା କାଳ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ କେତେକ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅମରକୋଷ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ତାପରେ ଦେଖ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆବିଷ୍କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍। ସେ ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ସମୟସୀମା ସେ 1100ରୁ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ନାଥମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା।
तो प्रश्न आसपे ये जगन्नाथ ही नाथ धर्म आराध्य देवता क्यों पुस्तक अनुसार वर्णित होला नादब्रह्म नटवर सामंत शिशुवेद को नादब्रह्म रूप ग्रहण करती क्वेश्चन आसपे एमती भी नादब्रह्म बोले किए कहते वंशीधर को ओडिया साहित्य इतिहास रे कौन कहुच ना पीतांबर दत्त बड़थ्वाल गोरखवाणी ग्रंथ रे गोरखों विषय रे अनेक रचना कर चैतन्य दास को विष्णु गर्भपुराण 1500 शेष भाग रचना यही पुस्तक रे शिशुवेद बहु उल्लेख अच्छी रुद्र सदानंदी शिशुवेद बहु उल्लेख अच्छे टीका गोविंद चंद्र लेखक जोगींद्र देवज्ञ विप्र केतेक पुस्तक उद्धव दास बोली लिखा जा गोरख संहिता गोरख संहिता यह एक अप्रकाशित नाथ साहित्य सर्वप्रथमे अध्यापक ब्रह्मानंद दास गोरख गीता और चंद्रशेखर नाथ शीर्षक प्रबंध में यह ग्रंथर परिचय आलोचना कर शिशुवेद लेखक होला किए ना गोरखनाथ नाथ धर्म और दर्शन किए लिखी ना दोलगोविंद शास्त्री शिशुवेद नाम नादब्रह्म बोली नटवर सामंतराय कहती अच्युत गोत्री बोली उल्लेख थी शारदास परवर्ती रचना बोली यह गुरुत्व होगा उचित बोली अध्यापक नटवर सामंतराय दृढ़ युक्ति उपस्थापना करती सप्तांग जगधारण गोरखनाथ और मत्स्येन्द्रनाथ कथोपकथन छलरे एही ग्रंथरे जगतत्व आलोचित होइछि गोरखनाथ कहिले मल्लिका शुणिले एहिपरि व्याख्या अछि तो नाथ धर्मर समय सीमा हमर 1200 नाथ शब्दर अर्थ होला स्वामी बा प्रभु गोरख संहितार नाम अनुसारे नाथ धर्मर प्रवर्तक होउछन्ति गोरखनाथ होला जगन्नाथ धर्मर प्रधान उपासना पद्धति शिव होती नाथ धर्म आराध्य देवता नाथ धर्मावलम्बी मैंने ख्रीटाब्द 1300 बेलू दुई भाग विभक्त हो जाते कौन कना सत्यनाथ पंथा रावल पंथा रावल शाखार प्राचीन पीठ होमर नयगढ़ लुडु बाबा पीठ है देख नाथ धर्म संपर्क आतक परिशिष्ट विषय आलोचना करनाथ धर्म और दर्शन डॉक्टर दोलगोविंद शास्त्री नाथ धर्मर क्रम विकास डॉक्टर दोलगोविंद शास्त्री नाथ संप्रदाय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी चौतीसा मधुचक्र विच्छंद चरण पटनायक प्राचीन गद्या पद्यदर्श डॉक्टर आर्तवल्लभ महांति ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य डॉक्टर वंशीधर महांति अन हिंदुइजम आचार्य क्षितिमोहन एमती एपट देव ना देव एपटे पुस्तक ना देव तुम तार सामंजस्य देखिए सन्धि कर आशा करीडियोटी भल लगे ये भिडियो कौन सी त्रुटि विच्युति थी दयाक कमेंट बक्स कमेंट करेंगे जी नाथ धर्म संपर्क आउ किसी अन्य तथ्य जानवाक इच्छुक थोड़ा कमेंट बक्स कमेंट कले मुझे रिप्लाई देवी कि विषय में अगर किसी भिड बनइबी रही नमस्कार।